जेके फर्स्ट पे सबका खैर मध्य में स्वागत है। एक मसला जो कालाकोट रोड के मुतल्लिक, जो शॉर्ट कालाकोट रोड है उसके मुतल्लिक है। हर बार पॉलिटिशियंस का यही मुद्दा रहता है कि कालाकोट और शॉर्ट की जो रोड है इसको हम बनवाएंगे, इसको हम हाईवे करवाएंगे, इसकी मरम्मत करवाएंगे। यहाँ तक ना ही मरम्मत होती है ना ही हाईवे को, तो आप छोड़ ही दें, जो रोड इस वक्त है वो भी बद से बदतर है। मीडिया में, नेशनल मीडिया में ये मसला उछला, मीडिया में बताया गया, ग्राउंड रिपोर्ट दी गई, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यहाँ पर जो गड्ढे हैं उनको भरने का टेंडर हुआ। टेंडर होने के बाद सिर्फ जो शॉर्ट है, मेन जो हाईवे है, वहाँ से कुछ 2 से 2.5 किलोमीटर तक जो गड्ढे थे वो भरे गए। ये देख सकते हैं आप, ये वही रोड है, ये गड्ढे भरे हुए हैं यहाँ पे। थोड़ा सा मैं कैमरा मैन से कहूँगा आप आगे आएं। लास्ट जो पॉइंट है वो ये है, सिर्फ 2.5 किलोमीटर एरिया के अंदर टेंडर हुआ था पूरी रोड का गड्ढे भरने का। ये जो है, ये हम खड़े हैं जो लास्ट जो बॉर्डर आप कह सकते हैं इस पे, इसके आगे का जो हाल है मैं कैमरामैन से कहूँगा आप आगे बताएं। ये हाल है और पूरी रोड खस्ता बद से बदतर, ना जाने बाकी टेंडर के पैसे कहाँ चले गए। और ये जो एरिया पड़ता है, ये बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं जनाब रविंदर रैना साहब, जो हर बार जम्मू की डेवलपमेंट, जम्मू की प्रगति की बात करते हैं, ये उनका एरिया है। उनके एरिए का भी कुछ पोर्शन जो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है वो भी छूटा हुआ है। ये लास्ट है, यहाँ से आगे नहीं, उसके बाद कालाकोट की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो शुरू होती है। और बुरी हालात है, वादे अगर आप सुने, इनकी तसल्लियाँ सुने अगर आप, तो कहेंगे कि आज नहीं तो कल हमारा, हमारे गांव, हमारा जो एरिया है वो स्वर्ग होगा। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो आप देखें, 2 किलोमीटर भरने के बाद गड्ढे, उसके बाद आगे की जो हालात है वो वैसे ही छोड़ दिए गए। और पहले से ही ये जो 2-2.5 किलोमीटर के एरिया, कुछ एरिया छोड़ के फिर थोड़ा सा आगे एरिया वो थोड़ा साफ है, लेकिन गड्ढे वहीं भरेंगे जहाँ पर ज़रूरत जो ना के बराबर थी, जहाँ पर ज़रूरत थी उन जगहों को छोड़ दिया गया। अब एडमिनिस्ट्रेशन जाने के जो टेंडर हुआ उसके पैसे कहाँ गए, बाकी गड्ढे क्यों नहीं भरे गए। अगर काम लेट शुरू करना था तो बाद में करते, काम आधा अधूरा क्यों छोड़ा जा रहा है। तो यही रिक्वेस्ट है लोगों की कि कम से कम इसको देखा जाए, पूछा जाए कि बाकी जो टेंडर हुआ था, बाकी गड्ढे किस वजह से नहीं, ब्रीफ दिया जाए मीडिया को भी कि इस वजह से इस रोड के खड्डे जो हैं वो रोके गए हैं, या जो खड्डे नहीं भरे गए कुछ परेशानियां आ रही हैं। बताने को तो दूर, अगर बात करने को भी कोई जाए तो जो ऑफिसर्स हैं वो मिलते हैं, यही हालत है। तो रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि लोगों की डेवलपमेंट की ओर देखें, लोगों की खस्ता हालत को देखें और लोगों के काम करें, बातें कम करें और काम करें। कैमरामैन विशाल शर्मा के साथ मैं दीपक शर्मा, JK First, कालाकोट, रजौरी।